हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं, बिहार की एक नई वैकेंसी आ चुकी है, निफ्ट पटना की वैकेंसी है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये एक संस्था है। इस संस्था में वैकेंसी निकाली गई है, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है फ्रेंड्स। बट यहाँ पे जो आपको फॉर्म जो फिल करने हैं, वो आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म को फिल करने हैं। इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट 12वीं पास पे, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, वार्डन की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, कुछ डिप्लोमा पास के लिए वैकेंसी है। यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग पोस्ट वाइज हमें वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म को फिल करना है, मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड में आपको जो है फॉर्म को फिल किए जाएंगे। तो एक एक चीजों को समझेंगे। इसके नोटिफिकेशन जो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था पटना, और यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरह से जो है गवर्नमेंट वैकेंसी है। और निफ्ट क्या फ्रेंड्स, निफ्ट जो है एक फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला संस्था है, जो कि इसके हर एक ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, मुंबई, कोलकाता, कैमूर, पटना। तो जो वैकेंसी निकाली गई है वो पटना जो संस्था है वहां की निकाली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं जॉब स्टॉक बाय दिलीप। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या प्रोसेस रहेगा आपका, जो है कैसे आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है निफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं निफ्ट है क्या। तो बताया गया राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था निफ्ट, वस्त्र मंत्रालय, जो भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय है, वो भारत सरकार के द्वारा स्थापित पूरे भारत में 17 परिसरों के साथ फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्था है। निफ्ट पटना, जो पटना की संस्था है निफ्ट, वो जो है 3 सालों के दीर्घकालीन अनुबंधन के आधार पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिक से आमंत्रित करता है। मतलब फ्रेंड्स की 3 साल के लिए अब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से वैकेंसी निकाली जा रही है, जो कि पटना का जो कैंपस है निफ्ट, वहां की वैकेंसी यहाँ पे जो है निकल के आ रही है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की संख्या कितना है, सैलरी क्या मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है मशीन मैकेनिक की वैकेंसी है, इसमें जो है आपको देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 रहने वाला है। उसके बाद से सहायक असिस्टेंट एडमिन की वैकेंसी 3 रहने वाला है। उसके बाद से असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंटेंट की वैकेंसी, जिसमें 1 पद रहने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो अगला पोस्ट है फ्रेंड्स, सहायक वार्डन छात्रा, इसमें केवल गर्ल्स ही आवेदन कर सकती है, इसमें 1 पोस्ट रहने वाला है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी, इसमें 1 पोस्ट रहने वाले हैं। उसके बाद से नर्स की वैकेंसी 1 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, जिसमें केवल 12वीं पास बोला गया, इसमें 11 पोस्ट रहने वाले हैं। उसके बाद से लैब सहायक, लैब असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, इसमें आपको 9 पोस्ट रहने वाले हैं। तो ये सब मिला के जो है लगभग 30 यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन दे सकते हैं। एक और बेस्ट पोस्ट है यहाँ पे पुस्तकालय लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे 1 रहने वाली है। तो 30 पोस्ट पे वैकेंसी पे टोटल यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ फ्रेंड्स बताया गया है कि आपको जो है इस वेबसाइट पे आपको उपलब्ध रहेगा प्रोफॉर्मा, जो आवेदन फॉर्म है ये देख सकते हैं, ये इसका आवेदन फॉर्म है। इसी फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, और इसको प्रिंट आउट करके आपको करना है, भरना है, भर के आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेजना है। भेजने का जो एड्रेस है फ्रेंड्स, निदेशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था निफ्ट परिसर मीठापुर फॉर्म्स पटना, इसका पिन कोड है भेजने का। तो बिहार की वैकेंसी है फ्रेंड्स, लास्ट डेट जो होगा 10 नवंबर के पहले पहले आपको जो है भेज देना है। इसमें जो कुछ आपको एप्लीकेशन फी भी लगेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फी जमा करनी है। मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा क्या एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। अभी फिलहाल देखते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आयु के बारे में, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट एडमिन के लिए, इसमें ग्रेजुएट बोला गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, और बोला गया 40 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में या हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। 27 वर्ष मैक्सिमम एज बोला गया। रिटेन और स्किल टेस्ट के बेस पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। अब अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स, मैकेनिक का पोस्ट है। इसमें आपको जो 10वीं के साथ साथ आपको बोला गया 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, मैक्सिमम 27 वर्ष एज है, यहाँ पे 18-27 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए, तो आवेदन दे सकते हैं। बाकी और भी अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, आप देख सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा। उसके वजह से बोला गया असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी बोला गया कि इसमें जो है बैचलर डिग्री बोला गया कॉमर्स के साथ अगर आपने कर रखा है तो आवेदन दे सकते हैं, या आपने जो है 2 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस या अकाउंट्स में
तो भी आप यहाँ पे फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। रिटेन या स्किल टेस्ट यहाँ पे बोला गया है सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद से बोला गया कि इसके अलावा अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन जैसे कि मास्टर डिग्री बोला गया है कॉमर्स में तो आवेदन दे सकते हैं। बाकी आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज, अकाउंट सॉफ्टवेयर के बारे में पता होनी चाहिए। सहायक जो असिस्टेंट वार्डन, इसमें केवल गर्ल्स ही आवेदन कर सकती है बोला गया। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हैं अगर आप तो आवेदन दे सकते हैं, और एक्सपीरियंस 1 साल का बोला गया है, 27 वर्ष एज बोला गया है। रिटन टेस्ट का आपका सिलेक्शन बेस रहने वाला है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बोली गई है, इसमें आपको जो ग्रेजुएट बोला गया है उसके वजह से एस्ट्रोनो का जो स्पीड बोला गया 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया है। किसी भी संस्था के माध्यम से आप एक्सपीरियंस ला रहे हैं आवेदन दे सकते हैं। नर्स की वैकेंसी है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी से बताया गया है कि अगर आपने जो है 12वीं क्लास क्वालिफाई है तो आवेदन दे सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, दोनों में से कोई भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, एमएस वर्ड एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में मेल करना आपको आनी चाहिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम 27 वर्ष एज बोला गया है, और रिटन या स्किल टेस्ट के बेस का आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें बोला गया कि आपके पास जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th एंड अबव है तो आवेदन दे सकते हैं, और साथ ही साथ फुल टाइम 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है लैब असिस्टेंट के, तो आप यहाँ पे आवेदन देंगे। 27 वर्ष यहाँ पे एज बोला गया है। और भी यहाँ पे बताया गया कि अगर ये नहीं है तो ये वाला क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, या ये नहीं है तो ये वाला क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कई अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए हैं, अगर इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आवेदन दे सकते हैं। बाकी बोला गया पुस्तकालय सहायक का, तो अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है किसके साथ, तो लैब से जो लैब असाइंस होते हैं, या बैचलर डिग्री कर रखा है इन साइंस लेबोरेटरी साइंस से, तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें भी रिटन टेस्ट के साथ आपका 27 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। एप्लीकेशन फी बोला गया है कि 590 रुपये आपको एप्लीकेशन फी देना होगा, और बोला गया कि जो लोग SC ST से हैं या फीमेल हैं या विकलांग हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल जनरल OBC को यहाँ पे 590 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। फेवर ऑफ बोला गया कि निफ्ट पेएबल एट पटना, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट क्या करेंगे, बनवाएंगे किसी बैंक में जाके, एक चेक लगाएंगे, चेक लगा के डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। जो लोग जनरल हैं और OBC है उन्हीं को बनवाना है, बाकी जो भी कैटेगरी है जैसे SC ST फीमेल और विकलांग है उनको यहाँ पे अप्लीकेशन नहीं देना है, मतलब उनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवानी है। बाकी यहाँ पे बताया गया और भी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और चयन प्रक्रिया बताया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट के आपके बेस रहेंगे चयन प्रक्रिया। आवेदन कैसे करनी है, अब बात आती है आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप फोटो चिपकाएंगे कौन से पोस्ट का आवेदन दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको सारी जानकारी भरनी है, डिटेल्स, डिमांड ड्राफ्ट अगर है तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की संख्या को आपको बताना है, रुपीज, बैंक, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, अपना नाम, जेंडर, फादर्स नेम टिक करना है, इसमें से आप जनरल SC ST क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह बतानी है, उसके वजह से एड्रेस वगैरह आपको फिल करना है। ये बेसिक जानकारी आप यहाँ पे आसानी से फिल कर लेंगे अपने हैंड से। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताना, जहां तक अपने पढ़ाई कर रहे क्वालिफिकेशन को फिल कर देंगे। उसके बाद से एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद से कुछ देना चाहते हैं ऑब्जेक्शन वगैरह तो आप यहाँ पे अपना जो हैंड रिटेन में जो है बता सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है पार्टिकुलर्स आपको क्या क्या मतलब अटैच करने, इसके साथ यहाँ पे जो है इसकी जानकारी आपको जो है टिक कर देना कि आप इसके साथ क्या क्या अटैच करके भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे सिग्नेचर करना है, डेट प्लेस लिख के आपको क्या करना है लिफाफे में पैक करके भेजना है। बोला गया कि लिफाफे के ऊपर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सबसे ऊपर में ही लिखना होना चाहिए, और यहाँ पे एक एनवलप के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके जो है क्या करेंगे भेजेंगे। और यहाँ बोला गया द डिमांड ड्राफ्ट डाउन फेवर इफ निफ्ट पेबल पटना, निफ्ट पेबल पटना के नाम से ही आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट को जो है बनानी है, और आप जो भेजेंगे इस फॉर्म को भेजेंगे द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कैंपस मीठापुर फॉर्म्स पटना, इस एड्रेस पे क्या करना है फ्रेंड्स आपको जो है भेजना है। भेजने का जो माध्यम है फ्रेंड्स देख सकते हैं, बोला गया है कि एप्लीकेशन जो है आपका रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड के द्वारा, दोनों में से किसी माध्यम से आप जो है फॉर्म को भेज सकते हैं। 10/11/2021 के पहले पहले आपको फॉर्म को जो है भेज देना है। तो देख सकते हैं ये फ्रेंड्स जो है आपका रहने वाला है डिटेल्स, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको बताई गई है। आप एक बार इंटरेस्टेड है तो जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।